लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं रोड एक्सीडेंट को लेके कि यार किस्मत मान लेते हैं, तो किस्मत का होना था तो हो गया, लेकिन सड़क दुर्घटनाएं मानवीय भूल है, मानवीय भूल है मतलब हमारी भूल, भगवान ने लिख के नहीं दिया कि मेरी दुर्घटना ऐसी होगी, तो रोड हमने बनाया, सब कुछ हमने बनाया, रोड पे चलना हमें, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि दो पहिया वाहन चालक हेलमेट पहने। अब आप ये बताओ कि आपके मन में क्या मानसिकता है कि हेलमेट क्यों नहीं पहनना चाहिए, कि लोग ऐसा बोलते हैं कि हेलमेट से पहनने से ये प्रॉब्लम आती है, आप फटाफट बताओ, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। बता सकते हो, मैं आप पे टाइमेज नहीं करना चाहता, इसलिए फटाफट बता सकते। सब बोलते हैं साइड नहीं देख पाते हैं, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है, और बिल्कुल सही बात है कि आपने हेलमेट लेना है तो आपको लेफ्ट और राइट नहीं दिख पाएगा, लेकिन गाड़ी में कंपनी देती है साइड ग्लोव्स देती है, लेकिन हम ये समझते हैं या तो फालतू का, या तो कोई ऐसा कर देगा, या फिर इधर कर देगा या तीसरे कर देगा, तो गाड़ी में साइड ग्लास होना बहुत ज़रूरी है। जब भी साइड ग्लास गाड़ी में होगा आप पीछे के ट्रैफिक को देख पाओगे, आपकी गर्दन ये है, हेलमेट नहीं पहना आप इतना देख पाओगे ना, इतना ये इतना फट से हो भैया और राइट टर्न ले लोगे, सामने से तेज स्पीड वाला आ रहा हो, तो अब साइड आपने ग्लास लगाया तो आप पीछे का पूरा ट्रैफिक देख पाओगे, तो लेफ्ट राइट देखने की क्या ज़रूरत है आपको, साइड ग्लास फिर कोई बोलते हैं जैसी भ्रांति है, व्हाट्सएप पे मैसेज चल जाते हैं, हम मान लेते हैं कि बाल झड़ते हैं, क्या हेलमेट के 24 घंटे लगा के घूमते क्या, अब मैं कैब 10-12 घंटे लगा के घूमता हूँ, हेलमेट लगा घूमता हूँ, मेरे तो बाल अभी तक नहीं झड़े, तो ये एक सोच है मतलब कि नहीं पहनना तो कुछ ना कुछ करके दे दो, फिर इसके बाद और क्या क्या बोलते हैं आप ही बताओ, हेलमेट पहनने से क्या प्रॉब्लम आती है। और उससे पहले मैं बताऊँगा, आप सभी स्कूलों में बस से जाते होंगे, मुझे ये बताओ स्कूल बस का कलर येलो ही क्यों होता है, नोटिस कराओ ये ब्राइट कलर है। ट्रैफिक में तीन जो है सिग्नल के कलर होते हैं, नाम बताइए। रेड येलो ग्रीन। येलो आपने जैसे येलो बोला ना, तो होम कलर से ही इसका कनेक्शन है, इसलिए येलो ना होकर इसका ऑफिशियल नाम है अंबर, अंबर, क्योंकि ये है क्रोम येलो कलर, जो ऑरेंज का एक मिक्सर है, तो इसको क्या बोलते हैं अंबर। अगर अब यहाँ सीखने आया तो येलो सबको पता है, कुछ नया सीखोगे तो लगेगा कि हम सीख के आए, इसको बोलते हैं अंबर, AMBER, ठीक है। अब उसके बाद मैं बात करता हूँ दो पहिया पे हेलमेट, यदि मैं बोलूँगा कि हेलमेट पहनो पहनो, सीट बेल्ट पहनो पहनो, तो आपके दिमाग में एक बात नहीं जाएगी, क्योंकि हम हर जगह सुनते हैं। अब मैं थ्योरेटिकल ये बात करूँगा सीट बेल्ट के ऊपर, कि सीट बेल्ट काम कैसे करता है, मैं खुद तो हिंदी में बताऊंगा, मतलब कि आप न्यूटन के रूल्स पढ़े आपने सभी को पता होगा, मैं न्यूटन के चाचा भतीजे और काका के व्हाट्सएप पे आता हूँ उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ न्यूटन के गति का पहला नियम सीट बेल्ट कैसे काम करता है, वो ये चीज़ बताता है कि कोई भी वस्तु यदि वो विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में ही रहेगी, यदि गतिशील अवस्था में गतिशील अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई फोर्स वगैरह हो, इमोशन में इमोशन नहीं रहेगी, इस वजह से जब हम ड्राइव करते हैं तो गाड़ी के साथ साथ हमारी बॉडी भी मोशन में होती है, अचानक किसी चीज़ के गाड़ी के सामने आ जाने पर, आज कल इंडिया में सामने बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, पैदल है साइकिल वाले कोई भी आ जाए, तो ब्रेक लगाने के कारण ही किसी चीज़ से टकराने के कारण जो स्पीड वगैरह होगी उससे क्या होगी, उस फोर्स के कारण गाड़ी तो रुक जाएगी, कैसे भी रुकेगी टूटी फूटी गाड़ी रुक जाएगी, पर उसके साथ आपकी बॉडी भी उसी मोशन में चल रही है, तो आपकी बॉडी का क्या होगा, क्या होगा इसमें उसी डायरेक्शन में आगे जाएगी, वो फिर रुकेगी जैसे, या तो आपको लेग इंजरी, चेस्ट इंजरी, हेड इंजरी होगी, या एक्शन हीरो की तरह कांच फोड़ के साउथ इंडियन फिल्मों में देखा होगा, तरफ बाहर जाएंगे, ठीक है। अगर इस तरह से किसी को समझाएंगे तो समझ में आएगा कि सीट बेल्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, यदि मैं बोलूँगा सीट बेल्ट पहनो तो यार ये तो सरकार ने चालान के लिए बनाया होगा कि यार सीट बेल्ट लगाओ, और ठीक है अधिकतर चौराहे पर जब मैं पूछता हूँ तो ये बात करता हूँ, तो अब सीट बेल्ट ये तो मैंने बता दिया फर्स्ट नियम, अब थर्ड नियम पे ये काम करता है, थर्ड नियम क्या बोलता है, किसी क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल लगता है, प्रतिक्रिया का मतलब तो जब फोर्स लगता है तो हमारी बॉडी आगे जाती है, यदि हमने सीट बेल्ट लगाया है बकल अप है, एक सेकंड लगता है, बकल
पोजिशन यदि अप है तो जब टकराट होगी तो बॉडी आगे जाएगी, पर लगाना प्रॉपर तरीके से, ऐसा नहीं हेलमेट लगा लिया और बिल्कुल काम हो गया। यदि बॉडी आगे जाएगी तो फोर्स क्या पीछे लगेगा इस दिशा में और हमारी बॉडी वापस आ जाएगी तो व्यवस्थित हो जाएगी। सेम एयरबैग यदि गाड़ी में हो तो भी ये काम करता है। एयरबैग का नाम सुना है, गाड़ी में एयरबैग होता है, होता है एयरबैग। एयरबैग के अंदर गैस बनी होती है जिसमें सेंसर लगा हुआ होता है, गाड़ी जब टकराती है उसमें नाइट्रोजन आयन आती है और एक बलून जैसा अंदर आ गया जाता है। यदि सीट बेल्ट आपने ना लगाया हो तो भी आपका एयरबैग काम नहीं करेगा, उसकी वजह है क्योंकि बलून एक बार बनने के बाद में वापस से उसकी गैस क्लोज हो जाती है। अब एक बार तो आपको बचा लिया उसने, यदि सीट बेल्ट लगाया हुआ होगा तो आपकी सॉफ्ट लैंडिंग होगी, उस समय बलून को लगेगा कि यार ओपन होने में, तब तक आप धीरे धीरे जाओगे, टकराने के बाद जब बलून क्लोज जाएगा तब भी आप पीछे ही रहोगे, नहीं तो आपका एयरबैग भी अब तक कोई काम का नहीं जब तक आपने सीट बेल्ट ना लगाया। तो सीट बेल्ट फायदे की चीज़ है, करीबन 5,600 लोगों की मृत्यु हुई थी सीट बेल्ट ना लगाने की वजह से। दो पहिया वाहन चालक की बात करूँगा तो हर साल 5 लाख ऐसी दुर्घटनाएँ होती है जिसमें व्हील चेयर पर आदमी गिर जाता है, और 1.5 लाख मौत होती है सड़क दुर्घटना। ये अवेयरनेस प्रोग्राम इतने सारे क्यों करते हैं कि 1.5 लाख मौत हर साल भारत देश में